मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आई थिंक मेरी भी आ रही होगी। हाँ, आपकी आवाज एकदम बढ़िया आ रही है। तो फ्रेंड्स, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, एंड आप अपने बारे में खुद बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वेद। सो लेट्स हियर फ्रॉम वेद इटसेल्फ। ओके, मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं फिलहाल अभी IIT रुड़की में PhD कर रहा हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। और इसके अलावा IIT मैंने भुवनेश्वर भुवनेश्वर से MSc की है। थ्रू IIT जैम मेरा एडमिशन हुआ था, तो बाई गॉड ग्रेस में हो गया था सेलेक्ट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल सही। सुवेद, आई जस्ट वांट टू नो यू नो कि आपकी जो IIT भुवनेश्वर की, जैसे आपकी पूरी की पूरी स्टडीज रही है, तो IIT भुवनेश्वर में आपने MSc किया, राइट? जी जी मास्टर्स जी किया, जी तो आप IIT जैम के थ्रू गए हो वहां पे। तो यस 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 IIT जैम के थ्रू जब आप MSc किया, तो आपने अभी आप कर रहे हो रिसर्च IIT रुड़की से PhD कर रहे हो। जी 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 तो जी व्हाट जी इज द डिफरेंस IIT भुवनेश्वर में और IIT रुड़की में? जो डिफरेंस आपको लगा स्टडीज में, जैसे आपने मास्टर्स किया, तो मास्टर्स में किस तरह का वातावरण है, किस तरह से IIT भुवनेश्वर में आपकी स्टडीज की जाती है, पैटर्न क्या है प्रोफेसर्स का जी जो होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IIT रुड़की एंड IIT भुवनेश्वर? जी वैसे तो मैं देखो देखो IIT में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि IIT एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। तो IIT भुवनेश्वर का अपना जो पैटर्न था, पैटर्न हर IIT का सेम रहता है कि वहां पे हमें, मैं तो MSc के ड्यूरेशन में आपका 50% आपका कोर्स वर्क रहता है, मतलब थ्योरेटिकल स्टडी करनी होती है, और आपको 50% आपका रिसर्च से रिलेटेड होता है कि आप लैब वर्क करोगे, ठीक है। एंड यहाँ का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो मुझे कम्प्लीटली 100% रिसर्च ही करना है। तो एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कहीं ना कहीं से सिलेबस तो लगभग लगभग सेम रहता है हर IITs का, और पढ़ाने का सबका अपना अपना पैटर्न होता है, ठीक है। और रही बात पढ़ाने में सिलेबस का, तो सिलेबस जैसे IITs का और यूनिवर्सिटीज का जो मैंने ऑब्जर्व किया, और भी जो मेरे दोस्त यूनिवर्सिटीज से कर रहे थे MSc, उनमें और हम में डिफरेंस बस इतना था कि हम वो बस थ्योरेटिकल नॉलेज रखते थे, जैसे कि आप NMR के बारे में पढ़ लिया आपने, और आपने मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो लेकिन IITs में वही NMR एक अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाया जाएगा, आपको NMR जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जाके दिखाया जाएगा, वो उसको कैसे ऑपरेट करता है वो आपको बताया जाएगा। आप इवन MSc फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब आप होते हो, जो कि आपका 50 मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसमें आपको अगर आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क लिया हुआ है तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना भी सिखाया जाता है। तो फर्क बस इतना है कि यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट पे फोकस नहीं कर पाते, मतलब इंस्ट्रूमेंट आपको पता नहीं होता है। लेकिन IITs में यही चीज है, आपको थ्योरी तो पढ़नी है, उसके साथ के साथ आप उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट आप देखते हो, उसको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हो। तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस होता है IITs और अदर यूनिवर्सिटीज में। और बाकी IIT भुवनेश्वर और रुड़की की बात करूं तो बस उनमें डिफरेंस ये है कि IIT भुवनेश्वर जो इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में हुआ था, ऑब्वियसली वो एक नई IITs है, तो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर फैकल्टी नई 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 आई थी तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बाकी IIT रुड़की 2000 या 2001 में इस्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ की फैकल्टीज का और यहाँ का फैकल्टी का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो सिलेबस वही रहता है, पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, रिसर्च कराने का अपना अपना तरीका होता है। ओके, सो मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन क्वेरी भेजी थी, फैज नाम से है वो स्टूडेंट। तो वो बोलता है कि इंटीग्रेटेड PhD बेटर होती है या फिर PhD फ्रॉम फॉरेन, लाइक इंटीग्रेटेड PhD MSc के साथ हम PhD करें तो वो बेटर रहेगा ऑप्शन, या फिर फॉरेन में अगर हम जाके PhD करें तो वो बेटर रहेगा? और इंटर्नशिप के टर्म्स में जो आपके इंटर्नशिप है, ये सब चीजों के बारे में वो पूछना चाह रहा है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन जी दिस? जी जी देखिए, जैसे अगर आप जैसे आप MSc में फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हो, तो फर्स्ट ईयर में आपको कोर्स वर्क करने पड़ते हैं, उस कोर्स वर्क के बेसिस पे आप जब सेकेंड ईयर में जाते हो ना, तो उसका जो ग्रेड होगा उसके ग्रेड के बेसिस पे, जैसे कुछ IITs में, जैसे IIT दिल्ली में है और
अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग होता है, तो उसमें क्या होता है कि इतने ग्रेड लाइक 8.5 से ऊपर वाला ग्रेड या 9 पॉइंट जो उन्होंने फिक्स कर रखा है, उस ग्रेड से ऊपर अगर आपका ग्रेड आता है तो एक या दो स्टूडेंट्स को वो एज अ फॉरेन प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं। ठीक है, आप फॉरेन में जाओगे, 1 साल का आपको प्रोजेक्ट करना है और फॉरेन में नई मतलब किसी लैब में आपको असाइन किया जाएगा। आप वहां जाओगे, वहां का एक्सपीरियंस लोगे, रिसर्च देखोगे और फिर 1 साल बाद जब वहां से आप लौटोगे तो कितना आपने काम किया है या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा और उसी बेसिस पे आपका जो सेकेंड ईयर का ग्रेडिंग है उसके वो होगा। राइट, तो अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ तो इंटर्नशिप अगर आपको करना है तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद ही आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जो बाहर के यूनिवर्सिटी, बाहर के यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया जो यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वहाँ का जो गाइड है वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, आपका आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो या प्रोजेक्ट करना चाहते हो, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो फिर आपको वो ऑफर करेगा। उसमें आप जाओगे, आपकी आने जाने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा सब कुछ वो बियर करेंगे, बशर्ते आपका जो प्रपोजल है वो उन्हें अच्छा लगना चाहिए, मतलब वो एक्सेप्ट करें। तो आप फ्री में, आप फॉरेन में आप रिसर्च करके आ सकते हो, 1 साल का प्रोजेक्ट करके आ सकते हो। अदरवाइज तो आप आईआईटी के अलावा जैसे बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इन सब में भी आप, एचएएल हो गया, इन सब में भी आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। डिपेंड करता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे चांसेस हैं। इंडिया लेवल पे तो है ही है, आप फॉरेन लेवल पे भी आप जा सकते हो और डिपेंड करता है कि आपका जो फैकल्टीज मेंबर है आपसे उनके टर्म्स कैसे हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, हमें फॉरेन में कौन पहचानेगा। हमारे जो फैकल्टीज होते हैं, आईआईटीज के फैकल्टीज होते हैं, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं बाहर यूनिवर्सिटी वाले, तो अगर उनका लिंक अच्छा है तो बाई उनके थ्रू आप जा सकते हो और विदाउट रिकमेंडेशन तो कोई मतलब नहीं रखता। यही चीज आपको यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा लैक लगता है मुझे, कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और एक आईआईटीज में हो तो ये चीज थोड़ा आईआईटी वालों को फायदा मिल जाता है, मतलब आईआईटीज में आपको ज्यादा आप बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्यादा मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हो। जी 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 ओके जी। तो एक और सवाल था एक बच्चे का, वो बोल रही है कि जैसे आप खुद ही रिसर्च फील्ड में, अभी एट प्रेजेंट आप पीएचडी कर रहे हो, तो काफी स्टूडेंट्स भी पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो रिसर्च फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अगर कोई रिसर्च करके पीएचडी करता है तो उसके बाद में व्हाट नेक्स्ट, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर पीएचडी, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखो, रिसर्च, सबसे पहली बात तो ये है कि आप रिसर्च को कभी एक डिग्री मत समझो कि मतलब मुझे ये डिग्री ले लेनी है और फिर मैं जॉब के लिए ढूंढूंगा। ठीक है, रिसर्च मतलब अगर आपका पैशन है, अगर आपको सच में कुछ लग रहा है कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, जो अभी तक मैंने थ्योरी पढ़ी है किसी भी सब्जेक्ट में, जो मैंने थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पे मैं अगर कुछ नया डेवलप कर सकता हूँ तो ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी है आपको। और अगर आपका इंटरेस्ट जगता है, इंटरेस्ट अगर आपके अंदर है कुछ नया करने का, तो आप पीएचडी करो। अदरवाइज अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हो कि जस्ट आपको पीएचडी करना है और एक डिग्री लेनी है, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। आप डिग्री लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्री ले लेके बीएससी डिग्री भी बहुत सारे लोग लेते हैं, एमएससी डिग्री लेते हैं, फिर बाद में पूछते हैं अब क्या करें। तो अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ जॉब भी इम्पोर्टेंट है, बट आपको अगर पीएचडी ढंग से करना है तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्ट के साथ करते हो तो पीएचडी के बाद आपको बहुत सारे पोस्ट डॉक ऑफर हो सकते हैं, मतलब आप फॉरेन में आप अप्लाई करोगे पोस्ट डॉक के लिए, 2 साल का पोस्ट डॉक होता है, एक पोस्ट डॉक 2 साल का, अगर आपने 2 पोस्ट डॉक 3 पोस्ट डॉक किए हैं, फिर आप वहां से जब रिटर्न करोगे फॉरेन से तो आप आईआईटी लेवल पे फैकल्टी बनने के लिए एलिजिबल हो। डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना वर्क किया है, कितना हार्ड वर्क किया है, कितना आपने पीएचडी कितने सीरियसली किया है या पोस्ट डॉक कितने सीरियसली किया है, तो आप एक आईआईटी लेवल पे फैकल्टी बनने के लिए मतलब एलिजिबल हो। और आईआईटी लेवल पे जो फैकल्टी मतलब बनते हैं उनके पास करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब ये इसको आप अलग तरीके से ना देखें कि मतलब आपकी फिर
अब मैं एक बार फैकल्टी बन गया फिर उसके बाद जो भी पैसा आएंगे तो उसको मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अलग तरीके उनको करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट ऑफर होते हैं, आप एक अच्छा सा आप मतलब लाइफ इंटरेस्ट के साथ बिता सकते हैं, ठीक है। और आपकी आपकी सैलरी तो फिक्स है ही है, तो एक मतलब अलग लेवल पे, एक फैकल्टी का भी अलग लेवल है वो समझ लो, और एक नॉर्मल है। मतलब जैसे मैंने पीएचडी करी और मैं जाके किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाऊं और मैं जस्ट टीचिंग करूं, अगर मैं सिर्फ टीचिंग करता हूं तो मुझे सिर्फ स्टूडेंट जानेंगे, और अगर मैं टीचिंग के साथ साथ रिसर्च भी करता हूं तो मुझे इंडस्ट्री लेवल पे लोग जानेंगे, मुझे फॉरेन तक के लोग जानेंगे, मतलब मेरे पेपर आएंगे, मेरे नाम उन पेपर में मेरा नाम आएगा, मेरा आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो उस आप वर्ल्ड वाइज जाने जाओगे। अदरवाइज अगर आप एक जस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, आप पीएचडी डिग्री ले लो, कहीं से भी ले लो, जरूरी नहीं है आईआईटी से लो, आप पीएचडी डिग्री ले लो, फिर आप एक एलिजिबल तो हो ही जाओगे। फिर उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करो, फिर आप लेक्चर तो बन ही जाओगे। एक और चीज मुझे वही दर्शनी थी कि बच्चे पूछ रहे थे कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी। लाइक कोई स्टूडेंट आईआईटी से एमएससी करता है फॉर एग्जांपल, उसको आगे पीएचडीज में परस्यू नहीं करना है या नेट या जेआरएफ के लिए नहीं जाना है, वो उसने एमएससी किया फ्रॉम नॉर्मल पीएचडी, नॉट पीएचडी, एमएससी किया फ्रॉम नॉर्मल आईआईटी, एंड अब वो कोई जॉब लेना चाहता है, तो क्या कोई आईआईटी से आने के बाद और एक नॉर्मल कॉलेज से आने के बाद में जो जॉब मिलती है तो उसमें पैकेज में क्या डिफरेंस होता है? और दूसरा क्या फील्ड है अदर देन टीचिंग? अगर मैं टीचिंग को हटा दूं, टीचिंग इज अ फील्ड जिसमें जो आपको ऑब्वियसली मिली जाएगी, बट अदर देन टीचिंग क्या फील्ड्स हैं जिसमें बच्चा आफ्टर एमएससी जा सकता है फ्रॉम आईआईटीज? देखिए, आफ्टर एमएससी आप तो पहले आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको गेट तो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एमएससी करते हैं, ठीक है, मैं पहले तो आपको क्लियर करा दूं, आईआईटी से एमएससी जो मिलती है इट इज आल्सो जस्ट अ एमएससी डिग्री। ये बहुत ज्यादा आपको मतलब हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे आप कहीं टीचर बनना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अगर एक नॉर्मल कॉलेज से एमएससी किया हुआ और एक 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 बच्चा है जो कि आईआईटी से एमएससी किया हुआ, ऑब्वियसली एमएससी, चूंकि उस जिसने एमएससी आईआईटी से की है उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एज अ थियोरिटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल चीजों का, ठीक है। इसका मतलब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट को लेके ज्यादा अच्छी है, तो ऑब्वियसली किसी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटीज वाले बच्चे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो वो ये तो हो गया एक प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप तुरंत जॉब करना चाहते हैं, तो आप जस्ट एमएससी की डिग्री लीजिए आईआईटी से। और इवन ऐसा होता है कई बार आकाश या फिटजी जैसे या एलएन या फिर बंसल जैसे इंस्टीट्यूट जाके आपका प्लेसमेंट करती है, डायरेक्ट आईआईटीज में जाके आपका प्लेसमेंट करती है, तो आप उसमें सेलेक्ट होइए, ठीक है, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो। बट दैट इज द प्राइवेट जॉब, यू नो दैट। तो वहां पे फायदा, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि बंसल कोचिंग गई है किसी यूनिवर्सिटी में मतलब कैंपस सिलेक्शन के लिए, कभी नहीं जाती, वो जनरली जाती है आईआईटीज के लिए, आईआईटीज के स्टूडेंट को वो हायर करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एज अ सेमी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जैसे ONGC हो गया, IOCL हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, या फिर INTPC हो गया, इनमें अगर आपको चाहिए तो आपको एमएससी के बाद या एमएससी के टाइम पे ही आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपकी गेट में रैंक अच्छी आती है तो फिर ऑब्वियसली वहां पे उसके बाद आप गेट के स्कोर के बेसिस पे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू में डेफिनेटली वो लोग आईआईटी वालों को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। बाकी अगर आप एमएससी करके फिर से आप सेम अगर आपको जॉब ही चाहिए तो आप पीजीटी एक आती है स्टेट लेवल पे, ट्वेल्थ लेवल पे आपको टीचर अगर बनना है तो उसमें क्या होता है, आपका एमएससी चाहिए होता है, और फिर आप फॉर्म आएगा, वो फॉर्म डालोगे, आप एग्जाम क्लियर करोगे तो आप obviously selected हो गए तो आप job कर सकते हैं। So, जैसे आपने बाकी अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो, एमएससी जैसी उसमें जाते हो, तो आपका इंटरेस्ट आगे अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसा जहाँ का सराउंडिंग होता है ना,
जैसा जहाँ का माहौल होता है इंसान उसी तरीके से सोचने लगता है। अब अगर आप एक आईआईटी में जाते हो तो वहां पे ऑलरेडी आपसे सुपीरियर सुपीरियर बहुत सारे लोग होते हैं सीनियर, ठीक है। जब आप एमएससी में एडमिशन लेते हो, जैसे मैंने लिया था, तो वहां पे मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे साथ ही बीटेक वाले बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं, मेरे साथ ही पीएचडी वाले भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो एक पूरा मतलब एक सीक्वेंस बन जाता है। तो कई बार हमें उनको देख देख के बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे मैंने बहुत पहले कोई प्लान नहीं किया था कि मैं पीएचडी करूंगा, क्योंकि जो बीएससी में बच्चा होता है मुझे नहीं लगता बहुत सारे, जो मतलब मैं नहीं था क्लियर, हो सकता बहुत सारे लोग क्लियर होंगे अपने उसको लेके, फ्यूचर को लेके। मैं उस टाइम क्लियर, मेरे को बस इतना था कि हाँ मुझे एमएससी अच्छी जगह से करनी, बट वहां पे जाके फिर बाकी लोगों को देख के, सराउंडिंग जैसा होगा, अपने सीनियरों से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे ये भी कर लेना चाहिए, फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा। तो जैसे आईआईटी एक तरीके से आपको प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है, आपको किसी भी फील्ड में जा सकते हो, एक आपका अच्छा बढ़िया अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना देती है आईआईटी। तो ऐसे ही एक बच्चा पूछ रहा था दीप पटेल करके, तो वो पूछ रहा था कि मैम ऐसा बोलते हैं टीचर्स हमारे कि अगर हम एक बार आईटी में जाएंगे उसके बाद मजे ही मजे हैं, तो व्हाट डज दिस मजे ही मजे मींस, व्हाट मतलब कैसे टाइप के मजे की, मतलब हम बहुत एंजॉय एक्चुअली करते हाँ हैं टू यू नो रोम अराउंड, या व्हाट इज व्हाट डज दिस मजे ही मजे मीन, सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू आस्क बीइंग एन आईटी एक्चुअली मजे मजे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है ना कि जो इससे पहले हॉस्टल लाइफ नहीं रह पाए हैं, तो यहाँ पे आईआईटी के अंदर एक हॉस्टल लाइफ जो आपको मिलती है, और उस हॉस्टल लाइफ में देखो, एक तो हो गया एकेडमिक टाइम, एकेडमिक टाइम आपका हार्डली कितना होगा, डे टाइम में होगा, ठीक है। खासकर जब हम एमएससी में थे, एमएससी में तो एकेडमिक टाइम यही होता था, 9 से 2, 9 से 2, 3, 4 बस हार्डली। बाकी इसके अलावा जो टाइम है ना, जो हॉस्टल में हम लोग बिताते हैं, तो हमारे आसपास के जो रूम हैं, अगर क्लासमेट्स हैं या फिर हमारे जूनियर है या फिर हमारे सीनियर हैं, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है ना कि आपका मतलब अगर आपका थोड़ा बहुत खेलने में इंटरेस्ट है तो खेलने का माहौल क्रिएट हो जाएगा, आपका घूमने में इंटरेस्ट है तो हर सैटरडे संडे आपके पास है, आप जा सकते हो इधर उधर, लाइक जिस आईआईटी में हो एटलीस्ट उस स्टेट में तो आप घूम ही सकते हो आसपास, ठीक है। तो एंजॉयमेंट इतने, हर आईआईटीज में एटलीस्ट दो तो इंस्टीट्यूट लेवल पे फंक्शन होते हैं, दो इंस्टीट्यूट लेवल पे फंक्शन होते हैं, उसमें होल आईआईटी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, आप अगर डांसिंग लाइक करते हो आप डांस कर सकते हो, आप खेलना पसंद करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम होंगे, आप क्विज पसंद करते हो तो क्विज होंगे, आप अगर मॉडलिंग पसंद करते हो तो मॉडलिंग होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती रही। तो जो एक्टिविटीज है ना आईआईटी के अंदर वो एक यूनिक है, और खासकर एक्टिविटी तब और यूनिक हो जाती है जब वहां पे रहने वाले आसपास के लोग आपके जैसे हों, ठीक है। अगर सेम एज के लोग हों या थोड़ा बहुत फर्क हो तो और ज्यादा स्पेशल हो जाती है वो, तो इस वजह से वो हॉस्टल लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और बाद में वो उस चीज को मिस भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो एक और जैसे हम लोगों ने किया सवाल, था, हम लोगों ने तो भुवनेश्वर में थे तो भुवनेश्वर में तो हम लोगों ने लगभग लगभग आधा भुवनेश्वर घूम लिया था लाइक अपने उस सैटरडे संडे का जो प्लान रहता था उसमें ही, और बाकी हॉस्टल लाइफ में जितने भी एंजॉय करने, आप क्योंकि हॉस्टल लाइफ मतलब एक कैंपस हो गया, उसके अंदर आप कब तक भी कुछ भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता था 4 लोग 6 लोग 10 लोग मिलके बैठ के अपना गप्पे मार रहे हैं, और रात में 1 बज गया 12 बज गया तो तब तक चल रहा है, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, तो वो एक अलग एंजॉयमेंट लेवल होता है। एक और बच्चे का सर सवाल था कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि एक आईटी से है और एक स्टूडेंट है जो आईटी से नहीं है, तो उन दोनों में मतलब लाइक व्हाट इज द डिफरेंस दोनों में, अगर कोई बच्चा एक आईटीएन है तो क्या वो ही सुपीरियर है, या क्या उसको एक नॉर्मल स्टूडेंट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लाइक बच्चों का एक सवाल था कि अगर कोई कोई बच्चा आईआईटी का है तो उसमें और एक नॉर्मल नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे में व्हाट इज द डिफरेंस इन लाइक मेंटालिटी, व्हाट इज द डिफरेंस इन लाइक यू नो स्टडी, और उसके बिहाफ में लाइक क्या वो ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा जो आईटी में होगा, या एक नॉर्मल कॉलेज में होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? लाइक व्हाट डू यू वांट टू हाँ मैं से? समझ गया आपके क्वेश्चन को, मैं समझ गया। एक्चुअली मैंने पहले आपको बोल भी दिया, आपने पहले स्टार्टिंग में पूछा था, तो मैंने बताया ना मेनली जो डिफरेंस जो मुझे अभी फील हुआ
मतलब अभी तक जो मुझे फील हुआ, यूनिवर्सिटी और आईआईटीज में फर्क बस इतना है कि यूनिवर्सिटी में नो डाउट आपको थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको थ्योरी का डिटेल नॉलेज होगा, लेकिन वहां पे लैक ऑफ क्या है, एक्सपेरिमेंटल। जब तक आप आउट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बाकी सब्जेक्ट का तो बाकी सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट हैं, बट मैंने केमिस्ट्री में ऐसा फील किया है कि केमिस्ट्री में अगर आप थ्योरी कितना भी नॉलेज कर लो, अगर जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट मीन्स आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आईआईटीज में आपको एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम सिर्फ बुक में पढ़ा करते हैं ना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, या फिर आपका माल्डी हो गया, या फिर आपका एनएमआर हो गया, या फिर आईआर हो गया, या फिर फ्लोरेसेंस हो गया, या फिर एचपीएलसी हो गया, ये सब जो नाम हम बुक में पढ़ते हैं ना, वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में बहुत रेयरली सारी इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जबकि आईआईटीज में ये बहुत कॉमन है। आपको सारे इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट मिल जाएंगे जो आप एक पढ़ते हैं कैरेक्टराइजेशन टेक्निक। तो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक, आप वो चीज जो आपने थ्योरी में पढ़ी है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंस मेनली होता है आईआईटीज और नॉन आईआईटीज में। बाकी अगर आपका एक्सपीरियंस अलग होगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो ट्रीट करने वाले हैं वो तो ट्रीट करेंगे ही डिफरेंट, क्योंकि उन्हें भी पता आपको एक्सपेरिमेंटली आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ जी हाँ जी, एक सवाल बच्चे का था सर कि लाइक बच्चे ऐसा सोचते हैं, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, कि अगर कोई बच्चा एमएससी करता है तो क्या उसको कोई स्टाइपेंड मिलता है, लाइक पीएचडी वालों को स्टाइपेंड मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या अमाउंट है, मतलब व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट जो एक एक्चुअली ये कुछ खास नहीं, मतलब आईआईटी में तो नहीं मिलता है, बट कुछ नई आईआईटीज में जैसे भुवनेश्वर में मिलता था, बट बहुत सारी पुरानी आईटीज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टाइपेंड टाइप का कुछ नहीं। भुवनेश्वर में आपको मिलता था लाइक 1000 पर मंथ, जब हम लोग करते थे उस टाइम की बात, उस टाइम 1000 2014 16 के बीच में 1000 पर मंथ आपका मिलता था, लेकिन ये अदर आईटीज में ऐसा नहीं है, मतलब कुछ आईटीज में है कुछ में नहीं है, ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मतलब वो स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। बट आप अगर एमटेक करते हो तो एमटेक में अभी तक था शायद 12,500 था अभी तक, लेकिन मे बी शायद लास्ट ईयर से वो भी शायद गवर्नमेंट ने हटा लिया। ओके, एंड अगर कोई पीएचडी करता है तो उसको स्टाइपेंड मिलता है आईआईटी के थ्रू से, या फिर अगर पीएचडी अगर आप करते हैं तो पीएचडी में आपको 31,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगा, और वो भी पहले 2 साल तक, और उसके बाद आपका वो बढ़ के एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा 35,000 रुपीस पर मंथ, वो 3 साल तक मिलेगा। ओके, सो सर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, लाइक आपने लास्ट के मंथ्स में कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, कैसे अपने आप को थ्रू आउट मोटिवेट रखा कि आप दो दो आईआईटी से क्रॉस होके गुजरे हो, जैसे पहले आईआईटी भुवनेश्वर में, फिर उसके बाद आप आईआईटी रुड़की में आप पीएचडी कर रहे हो, तो लाइक व्हाट, लाइक कैसे आपकी जर्नी थी, क्या आपने, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम अगर पढ़ाई ही कर रहे हैं तो हमारी जो लाइफ है वो हमने पूरी पढ़ाई में बुक्स में रखी हुई है, तो अभी ऑलमोस्ट हम 30 ईयर्स के होकर आईआईटी से निकलेंगे, तो हमने अपना वो जो एज है वो तो पूरा खो दिया, तो क्या ये सच में सच है कि मतलब अगर कोई आईआईटी की प्रिपरेशन करता है अच्छी वाली, तो क्या उसकी जो बाकी चीजें हैं वो सब साइड में हो जाती हैं, वो उन चीजों को इंजॉय नहीं कर सकता, या सिर्फ एक माइंड स्टेट है, ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड स्टेट है बच्चों की, कि दे फील लाइक दैट समवेयर? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो बाकी चीजों को आप साइड में रख दोगे, बट हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने अगर मतलब आपको ना टाइम डिसाइड करना है, आपको ना कौन से टाइम एंजॉय करना है, कौन से टाइम एंजॉय नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है। लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई इंसान ऐसा है जो ऐसा सोचता है कि नॉर्मल इंसान जो जो स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, 5 ईयर से पढ़ना शुरू करता है और वो एटलीस्ट 20 ईयर तक तो पढ़ता ही है, ना 20 से ही तो 18 ईयर तक तो पढ़ता ही पढ़ता है। ठीक है, बट अगर दूसरा, अगर हम दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो दूसरा इंसान क्या बोलेगा कि मैं 20 ईयर क्यों पढ़ू, मैं तब तक कुछ और क्यों ना करूँ। ठीक है, बट दैट इज उसका ओपिनियन है। ठीक है,
जो दूसरा दूसरे लोग हैं वो उनका ओपिनियन है, लेकिन इस 20 ईयर में जिसने पढ़ाई किया और जिसने फोकस किया, हो सकता है आने वाले 10 साल में इसका लेवल कहीं और होगा। और जो ये सोच के पढ़ाई नहीं किया कि 20 ईयर में क्यों वेस्ट करूं, हो सकता है 10 साल बाद उसका लेवल कहीं और हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ते हैं सिर्फ वही सक्सेस होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो पढ़ते हैं सिर्फ वही सक्सेस। पढ़ाई मतलब आपको इंजॉयमेंट लगना चाहिए, आप तभी पढ़ सकते हो जब आप उस चीज को इंजॉय कर रहे हो, जब आप कुछ नई चीजें सीख के अंदर ही अंदर आप खुश रहोगे ना, तब इसका मतलब आप उसको फील कर पा रहे हो। वरना अगर जस्ट आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ जॉब के लिए, बहुत सारे लोग जैसे होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ जॉब के लिए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे को जॉब मिल जाए, बहुत सारे लोगों से सुनने को ऐसा मिलता है। लेकिन वो लोग मैक्सिमम ना सब्जेक्ट को कभी फील नहीं कर पाते, सब्जेक्ट को कभी फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि जब तक आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट जो डिसाइडेड टाइम है, जैसे आप बोल रहे हो कि 30 ईयर, ठीक है, अगर 30 ईयर तक आपने सच में ढंग से पढ़ लिया ना, तो आने वाले जो 30 ईयर है ना, वो आपके हो सकता है किसी अलग लेवल पे हो औरों के कंपैरिजन में। और बिल्कुल बहुत सारे तो ऐसे भी मैंने फैकल्टी देखे हैं यहाँ पे अपने यहाँ IITs में, बहुत सारी फैकल्टीज ऐसे हैं जो कि 60 60 साल तक उनकी एफिशिएंसी कम नहीं होती। हमारे जो गाइड हैं उनकी एफिशिएंसी 60 साल में भी, वो ऐसे हैं वो 10 बजे बैठते हैं, फिर 1 बजे उठते हैं, ठीक है, फिर लंच करके 2:30 बजे आ जाते हैं, फिर वो सीधा 4:30 5 बजे उठते हैं। ठीक है, मतलब वो सिस्टम पे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनकी अभी इस मतलब 60 के एज में इंसान क्या सोचेगा कि और कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उन वो ऐसा कर पा रहे हैं क्यों, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, और आज की डेट में उनके पास 200 से ज्यादा आर्टिकल हैं, 200 से ज्यादा पेपर हैं, तो उनको वर्ल्ड वाइज लोग जान भी तो रहे हैं ना, इसलिए तो वो औरों से डिफरेंट है ना। हो बिल्कुल सकता है हमें आपको जानने में, वर्ल्ड वाइज जानने में तो बहुत मतलब पता नहीं कभी लोग ऐसा कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज उनकी जो मेहनत है वह उसी की वजह से तो वो जाने जा रहे हैं ना। तो आप कुछ टाइम के लिए मेहनत कर लो, ठीक है, 30 ईयर्स मतलब बहुत ज्यादा नहीं आपका लॉस हो रहा है, उसके बाद तो आप 30 ईयर्स तो एंजॉय कर सकते हैं ना। आईआईटी जैम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनसे कि वो आईआईटीज में, मतलब लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं, आपको पता है फरवरी में हमारे एग्जाम है, 3 मंथ्स है हमारे पास, तो ये 3 मंथ्स में ऐसा क्या करें कि आईआईटी को फोड़ के आ जाए, मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट एज एन आईआईटी? जी, मैं तो यही बोलूंगा, आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो और अपने टीचर के जो पढ़ाए हुए चीजें हैं उस पे फोकस करो, उस पे ट्रस्ट करो, और उतनी चीजें जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, और कभी भी रट के ये एग्जाम नहीं निकलने वाला। जैम या IIT के जितने भी एग्जाम होते कभी भी रट के नहीं निकलेंगे। आप उस चीज को समझने की कोशिश करो, और जब किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा वो इनिशियल में परेशान करेंगी, लेकिन एक बार परेशान करेंगी, जब एक बार समझ में आ जाएगा फिर वो परेशान नहीं करेंगी। तो सब्जेक्ट से फाइट करना सीखो, ठीक है, और कोशिश करो अपने आप को कल से बेटर बनाने की कोशिश करो, बीते हुए कल से बेटर बनाने की कोशिश करो। बीता हुआ कल आपका क्या लेवल था और आज आपका क्या लेवल है स्टडी के लिए, स्टडी के मायने में, उस पे फोकस करने की कोशिश करो, और किसी से कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जाम टाइम में ये बिल्कुल मत देखो कि उसने ज्यादा कवर कर लिया, मैंने कम कवर कर पाए, आप अपने आप अपना आप कंपैरिजन अपने खुद से करो, अपने बीते हुए कल से करो कि आप बीते हुए कल में किस लेवल में थे और आज आप किस लेवल में हो, बस दैट इज योर मतलब की ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वेद, मिलते रहेंगे आपसे, ओके थैंक यू सो मच फॉर ड्यूनिंग विद मी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू।